Assalamualaikum students. I am your best teacher. Today we will continue page number 74 and we will do exercise number 3 of page number 74. Exercise number 3 is evaluate the following. हम पहले पढ़ चुके हैं evaluate यानी calculate करना और same method जो हमने exercise 1 में किया था exercise 2 में किया था वो ही apply होगा. The difference is the values are given with the expression. Value of variable जो है expression के साथ ही given है. इसे हर question में जो variable use हो रहा है उसकी value उसी question के साथ दी गई है. यहाँ पे main question में कोई variable की value given नहीं है. The question number one is 2a plus 3b minus 2a plus 2b minus 4. ये एक्सप्रेशन है और इसमें वेरिएबल यूज हुआ है ए एंड बी. ए और बी की वैल्यू इसी के साथ गिवन है व्हेन ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3. हमने पढ़ा था फर्स्ट वी हैव टू एक्सपेंड द एक्सप्रेशन, सेकंड वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू इन प्लेस ऑफ वेरिएबल एंड थर्ड कैलकुलेट द वैल्यूज. पहले हमने क्या करना है एक्सपेंड करना है, जहां जहां ऑपरेटर नहीं है वहां मल्टीप्लाई की साइन. 2 और a के दरमियान कोई ऑपरेटर नहीं है इसलिए इसके दरमियान आएगी मल्टीप्लाई की साइन 2 मल्टीप्लाई बाय a, 3 मल्टीप्लाई बाय b, 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2 मल्टीप्लाई बाय b और ये एक्सप्रेशन हम कंप्लीट हो जाएगी. इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को. कौन सी वैल्यू जो एक्सप्रेशन के साथ दिए मैंने, जहां जहां a यूज हुआ है वहां लिखेंगे हम 2, जहां जहां b यूज हुआ है वहां हम लिखेंगे 3. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 2, 3 मल्टीप्लाई बाय b की जगह 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b, b की वैल्यू है 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया माइनस 4. मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यूज रिप्लेस हो जाएं, जब सब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो जाए देन वी हैव टू फॉलो द बॉडमास रूल. बॉडमास रूल में तब सबसे पहले हम नोटिस करेंगे ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज हुए यहाँ पे, मल्टीप्लाई प्लस देन मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज हुआ हुआ है, फिर प्लस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और माइनस का साइन है, यानी तीन ऑपरेटर्स एक पूरे एक्सप्रेशन में यूज हुए हैं. एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, एक एडिशन का ऑपरेटर और एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर. अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले इन तीनों में से मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज फर्स्ट. 2 इंटू 2 इज 4 प्लस एज इट इज रहेगा, 3 इंटू 3 इज 9 माइनस एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस एज इट इज रहेगा, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस एज इट इज रहेगा और 4 कॉपी हो जाएगा. अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितने वैल्यू ऑपरेटर बचे हैं, एक प्लस का ऑपरेटर यानी एडिशन ऑपरेटर और एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर बचे हैं. अकॉर्डिंग टू बॉडमास एडिशन पहले होता है सब्ट्रैक्शन बाद में होता है. देयर इज अनदर रूल बॉडमास में, एक रूल और भी है कि अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ प्लस का ऑपरेटर और माइनस का ऑपरेटर यूज हो रहा हो, यानी सिर्फ एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, तो वी कैन सॉल्व द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी अगर सिर्फ एडिशन हो रहा हो नंबर्स में और सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे. जैसे 4 प्लस 9 इज 13, फिर माइनस 4 प्लस 6 प्लस माइनस 4 हमने एज इट इज रहने दिया. नेक्स्ट स्टेप में 13 माइनस 4 इज 9, फिर प्लस 6 माइनस 4 एज इट इज रहने दिया. 9 प्लस 6 इज 15 माइनस 4 एज इट इज रह गया, 15 माइनस 4 माइनस के 11. और वी कैन सॉल्व इट एट वंस, हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. 4 प्लस 9 13, 13 में से 4 माइनस किया 9, 9 में 6 प्लस किया आ जाएगा 15, 15 में से 4 माइनस किया 11 आंसर आ जाएगा. हम लेफ्ट से स्टार्ट किया हमने और जो जो ऑपरेटर आता जा रहा है उसको सॉल्व करते चले गए. अगर हम बॉडमास में एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन पहले करें तो भी यही आंसर आएगा. एडिशन के कौन कौन से हैं, 4 है, प्लस 9 है और प्लस 6 है. इनको ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 9 हो गया 13, 13 प्लस 6 क्या हो जाएगा
19. अब माइनस के कौन कौन से रहेगा, माइनस फोर और माइनस फोर. 19 में से 4 माइनस किया आ गया 15, 15 में से 4 माइनस किया दोबारा आ गया 11. तो दोनों मेथड में से जो इजी लगे यू कैन फॉलो द मेथड. रिपीट कर रही हूँ मैं, बॉड मास में सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन से पहले और सब्ट्रैक्शन से पहले हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लाई करने के बाद ये रह गया हमारे पास सिर्फ एडिशन ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. दो मेथड हैं, या तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाइए आंसर ये आ जाएगा. दूसरा क्या, बॉड मास में एडिशन पहले सब्ट्रैक्शन बाद में, तो प्लस वाले जो है यानी ये 4 प्लस का है इसलिए यहाँ हिडन प्लस लगा हुआ है, 9 प्लस का है और 6 प्लस का है. इन तीनों को पहले सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन रह जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर अगेन आंसर आ जाएगा 11. ठीक है, दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे यू कैन फॉलो दैट मेथड. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज इज 3 विद इन ब्रैकेट ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. फर्स्ट द वैल्यूज आर व्हेन ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 2. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप एक्सपेंड करना है एक्सप्रेशन को. 3 और ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आएगा, किसी को कोई ऑपरेटर नहीं है, ए और बी के दरमियान ऑपरेटर नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई आएगा, बी एंड सी के दरमियान मल्टीप्लाई साइन आएगा, सी और ए के दरमियान मल्टीप्लाई साइन आएगा. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सेकेंड स्टेप, अब ए और बी की जगह उसकी वैल्यूज लिखेंगे. ए की वैल्यू है 5, बी की है 3, सी की है 2. नाउ रिप्लेस द वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय, इंस्टेड ऑफ ए वी हैव टू राइट 5, इंस्टेड ऑफ बी वी हैव टू राइट 3, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2, सी की जगह 2 लिखेंगे, ए की जगह 5. सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गई. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन बाय बॉड मास रूल. अब हम बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे. यहाँ पे बॉड मास रूल में बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा पहले सॉल्व होगा. ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है और सब्ट्रैक्शन का साइन है. सब्ट्रैक्शन से पहले सॉल्व होता है मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लाई द वैल्यूज फर्स्ट, 5 इंटू 3 इज 15, 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 5 इज 10. ब्रैकेट में आ गया 15 माइनस 6 माइनस 10. अगेन पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसकी सिंगल वैल्यू आ जाएगी, फिर बाहर के नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 15 माइनस 6 इज 9 माइनस 10 एज इट इज रखेंगे. नाउ सॉल्व 9 माइनस 10 फर्स्ट. 9 में से 10 माइनस करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, हम रिवर्स करेंगे, 10 में से को 9 को माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा. बड़ा वैल्यू है 10, बड़ी वैल्यू 10 की, उसी की साइन हम लिखेंगे, द आंसर इज माइनस 1. माइनस 1 आ गया ब्रैकेट की में जो एक्सप्रेशन लिखी थी उसका आंसर आ गया माइनस 1. नाउ मल्टीप्लाई दिस माइनस 1 विद 3. 3 जो ब्रैकेट के बाहर था वो इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा. 3 की साइन है प्लस, 1 की साइन है माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, 3 वन्स आर 3, माइनस 3 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज इज 1 अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू बी. व्हेन a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3. ए की वैल्यू है 7, बी की वैल्यू है 3. पहले एक्सपेंड कीजिए एक्सप्रेशन को. 1 अपॉन 2a मींस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई का साइन, एंड 4 इंटू बी, 4b मींस 4 मल्टीप्लाई बाय b. नाउ सेकेंड स्टेप, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a एंड b. a की जगह लिखना है हमें 7, b की जगह हमें लिखना है 3. 1 upon 2 into 7 is 1 upon 14. 4 into 3 is 12. Cross multiply, cross में दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल से. 2 7s are 14 और 2 6s are 12. अब न्यूमरेटर में बची है वैल्यूज 1 एंड 6. मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, 1 into 6 is 6. और डिनोमिनेटर में तो एक ही वैल्यू है 7. So 6 upon 7 is the answer. क्वेश्चन नंबर 7 इज yz डिवाइडेड बाय uv प्लस
xs divided by rt when y is 4, z is 3, x is 6, s is 4, u is 1, v is 6, r is 2, t is 4. These are the variables which are used in the expressions और ये उनकी values दी हुई हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है? Expand करना है expression को. Y and Z के दरमियान multiply का sign, U and V के दरमियान multiply का sign, X and S के दरमियान multiply का sign, R and T के. Now second step, replacement of values. जहाँ जहाँ variables use हुए हैं उनकी जगह उनकी value यहाँ questions में देख के लिखेंगे. Y की जगह 4, Z की जगह 3, U की जगह है 1, V की जगह 6, फिर X की जगह is 6, S is replaced by 4, R will replace by 2, T की जगह लिखेंगे हम 4. Now the expression become 4 into 3 divided by 1 into 6 plus 6 into 4 divided by 2 into 4. Multiply करेंगे पहले हम 4 into 3 is 12, 1 into 6 is 6 plus 6 into 4 is 24, 2 into 4 is 8. अब हम देख रहे हैं ऊपर नीचे ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 8 ones are 8, 8 threes are 12. डिनोमिनेटर में 1 रह गया विच इज इनविजिबल. डिनोमिनेटर में जब भी 1 आता है तो इनविजिबल हो जाता है, उसने हमें लिखना नहीं होता. न्यूमरेटर में रह गया हमारे पास 2 प्लस 3, तो 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 5. 5 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन इज x विद इन ब्रैकेट y प्लस z डिवाइडेड बाई 2. ये एक्सप्रेशन डिवाइड हो रही है 2 से और ये होल एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाई बाई 2. यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं है, इसका मतलब है ये वाली एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो गई है 2 से. x की वैल्यू है 6, y 2 है, z 3 है. फर्स्ट एक्सपेंड द एक्सप्रेशन. x के दरमियान और इस ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये 2 और इस एक्सप्रेशन के दरमियान भी कोई ऑपरेटर नहीं है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा. सेकेंड स्टेप, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. x की जगह हम लिखेंगे 6, y की जगह 2, z की जगह 3. नाउ सॉल्व द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू बॉर्डमास. अकॉर्डिंग टू बॉर्डमास वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. 6 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5. ब्रैकेट ओपन हो गया. नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल से. 2 वन्स आर 2, 2 वन्स आर 2, व्हाट इज लेफ्ट? 6 इनटू 5. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30. यू हैव टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस इन योर कॉपी. थैंक यू.